नमस्कार चिलगुजो, हम जीत गए। ये सेलिब्रेशन उसके लिए अगर हम जीत गए, जो कि मुझे यकीन हम जीतने वाले हैं, पर ये वीडियो बनाते वक्त मुझे रिजल्ट्स का नहीं पता, मेरी हार्ट बीट ऐसे कूद के बाहर आने को हो रही है, पर फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है इन खिलाड़ियों पे, क्योंकि ये हमारे लिए तो खिलाड़ी है लेकिन सामने वाली टीम के लिए जैसे ये ग्राउंड में उतरते हैं ना, ये जानवर बन जाते हैं आदमखोर। ये किसी को नहीं छोड़ते, ये हराते नहीं है, ये जलील करते हैं। इनको नहीं है किसी चीज़ की कोई फीलिंग, इनको खुद ग्राउंड के बाहर आने के बाद होश आता है कि ओ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। और अगर सच में ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब तक हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो इस वीडियो को फोड़ दो, आग लगा दो, उड़ा दो, फोड़ दो नहीं फैला दो सब जगह पे। मैं लिटरली इस वीडियो के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। एक साइड टॉस चल रहा है इंडिया का, क्या होगा मुझे नहीं पता है, और एक साइड में वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपके लिए। डेडिकेशन की परिभाषा को चूल्हे में फूंक दी मैंने। खैर बात है पॉइंट पे, पर पॉइंट से याद आया पॉइंटिंग भाई साहब, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का बदला तो ले लिया हमने, अब 2003 वर्ल्ड कप फाइनल्स का बदला लेने की बारी है। तो हो गया होगा अब तक, तो बहुत कूद रहे थे इतने सालों तक, अनबीटन जीते हैं हम वर्ल्ड कप, अनबीटन टूर्नामेंट। लो अप्पू आ रहे हैं, रुक जाओ जरा सबर करो, आ गई अनबीटन इंडिया। टै 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 टै। और हमारे अनबीटन रहने की पावर तुम्हारे अनबीटन रहने से ज्यादा है पॉन्टिंग भाई, ज्यादा है, क्योंकि हमने एक एक मैच इतने बड़े मार्जिन से हराई है कि पाकिस्तान उसमें 3 बार बैटिंग कर ले। बीच में मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें हसन अली बोल रहा था कि हम तो बाबर को द किंग बुलाते हैं, बॉब्सी द किंग, कोई काम करना है तो अरे किंग ये कर लेगा, किंग वो कर लेगा। हम टीम में भी उसको किंग बोलते हैं। ओह यस, हम उसको बाबर तो यहाँ बॉब्सी कहते हैं, या बोलते हैं बॉब्सी द किंग, या किंग यार किंग कर लेगा, यार किंग को बोलो कि ये मसला ठीक हो जाएगा, यार किंग को ये, तो हम उसको किंग बोलते हैं, बाबर को किंग बुलाते हैं वो लोग। भाई जीभ नहीं लड़खड़ाती बोलते हुए, हमारे खिलाड़ी बेशर्म होकर क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग बेशर्म होकर इंटरव्यू दे रहे हैं बाबर किंग। भाई इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख के उसको किंग छोड़ो, कोई दरबान ना बनाए। पर खैर बॉब्सी द किंग की भी गलती नहीं है इस पर, वर्ल्ड कप की गलती है सारी की सारी इस पर। हाँ यार, इस बार वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं कर पाई, रन कैसे बना था। इमोशनल टाइम। खैर अभी तक तो ये मैच स्टार्ट नहीं हुआ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा जो है इस फाइनल में सबसे बड़ा डर कौन है पता है? अपोजिशन का सबसे बड़ा खतरा है मेरे लिए नहीं मैक्सवेल नहीं है, नहीं वार्नर भी नहीं है, स्टार्क भी नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है ये बंदा, ये शख्स। इस अंपायर ने 2019 वर्ल्ड कप में नींदे उड़ा दी थी सबकी। खैर मानता हूँ इसकी भी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ डिसीजन दे रहा है, लेकिन फिर भी इतना पनौती कोई कैसे हो सकता है। 2014 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ये अंपायर था, इंडिया हार गई। 2015 के ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ये अंपायर था, इंडिया फिर से हार गई। 2016 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ये अंपायर था, इंडिया फिर से हार गई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के सामने ये अंपायर था, इंडिया फिर से हार गई। और 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो आप सबको पता ही है धोनी का रन आउट, उसमें भी यही अंपायर था, इंडिया फिर से हार गई। और अब आज 2030 के वर्ल्ड कप फाइनल्स में भी ये ही अंपायर है। मैं बता रहा हूँ कोई जाके इसके घर पे एक बार चेक करो, 2-3 वर्ल्ड कप तो इसके पास ही पड़े होंगे। पर इस बार इंडियन टीम ने इतिहास को उखाड़ के फेंक दिया है और भारत ने उठाई है ट्रॉफी। और यहीं पे इंडिया ने इस अंपायर रिचर्ड कैटल, क्या नाम है, रिचर्ड कैटल बक का अभिशाप तोड़ दिया है। आई होप मैं ऐसा बोल सकूं, बोलूंगा जीतेंगे हम। खैर तब बात करते हैं इंडिया के सेमीफाइनल की, तो हो सेमीफाइनल तो हुआ ही नहीं है, ये तो सेमीफाइनल हुआ। और ये सेमीफाइनल वाला जोक मैंने पहले ही इंडिया का जीतते लिख दिया था, लेकिन पता नहीं वो वायरल हो गया कैसे, लोगों ने यूज़ कर लिया, बट मैंने पहले लिख दिया था, सच में मेरे दिमाग से चुरा लिया लोगों ने। खैर तो इसीलिए आपके लिए मैंने एक और बनाया है ऐसा ही सेम, ये सेमीफाइनल नहीं था ये सेमीफाइनल था, और हम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, हम क्वालिफाई हुए। भाई सामी भाई, बाकी लोग भी खेल नहीं आते, तुम तो साला बैट्समैन को ऐसे आउट करते हो जैसे वो दूध पाक में खिला रहे हो उनको, दूध पाक में मतलब वो कच्ची गोली होती है ना, प्लेयर्स वो छोटे बच्चों को खिलाते हैं वैसा, ये गुजरात वालों को पता होगा। और दूसरे बॉलर्स को थोड़ा मौका था तो तुम तो सीना तान के खड़े हो गए, वो बेचारा धक्का मुक्की कर रहे भाई, एक विकेट तो ले लेना दे भाई। अब क्या वो अपने अपने घर से बॉल लाना शुरू कर दे कि भाई ये तो विकेट देगा नहीं, हम तो खुद की बॉल ला के बॉलिंग कर लेते हैं। सच में थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि ICC परेशान हो गया कि भाई ऐसी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के बाद भी रही तो 2027 का वर्ल्ड कप इनको 2025 में दे देना पड़ेगा। दो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जितना मैच जीतने होते उतना तो ये एक वर्ल्ड कप में जीत जाते हैं। सच में ICC की अगर इंडियन क्रिकेट टीम से बात हुई तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। हाँ इंडियन टीम, हाँ क्या गेम प्लान क्या है वर्ल्ड कप का? हाँ बना लेंगे 350-400 रन बना लेंगे। ओहो बहुत बड़ा स्कोर है ये, देखो जरा पिच इतनी अच्छी नहीं है सारी। हाँ कर लेंगे। अच्छा तो सामने कितने बनाने दोगे फिर, मतलब सपोज करो श्रीलंका को 50 कर लो। अबे भर्रा गए हो क्या, पूरी टीम का स्कोर पूछ रहा हूँ, 2011 की रनर अप टीम है वो। हाँ ऐसा ही है। अच्छा चलो ऐसी बात है तो साउथ अफ्रीका के सामने क्या प्लान है, वहाँ तो पिच मुश्किल है थोड़ी। हाँ कोहली कर लेगा ना,
350 के आसपास रख लो। मैं क्या आपस में बात कर रहे हो, भगवान से तो डरो तुम? ऐसा नहीं होती वर्ल्ड कप मैच की स्क्रिप्टिंग भाई, थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी पड़ती है मैच को। हाँ तो नहीं हो रहा है अभी, हम तो नॉर्मली खेल रहे हैं। उनको कितने मारने देना साउथ अफ्रीका वालों को? 55 रख लो 55। अबे तुम तो यार अधिक, अबे कुछ तो खौफ खा लो यार किसी का। अरे यार बहुत नखरे तुम्हारे, 70 कर लो चलो। अबे 430 रन ठोक रही है वो टीम सेकंड नंबर पे टूर्नामेंट में, जस्ट तुम्हारे नीचे गदर मचा रखा है पूरी टूर्नामेंट में। ऐसे थोड़ी हो, ये थोड़ा मारने तो मैं नहीं जान रहा। अरे बस यार अभी 80 कर लो बस, लेकिन 80 से ऊपर नहीं है, वो भी सेकंड नंबर पे इसलिए। और वो सब छोड़ो यार, थोड़ा स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान बजवाओ, थोड़ा पड़ोसियों को नचवाओ, रोते रहते खाली फोकट, थोड़ी इज्जत करो उनकी भी। ये इज्जत की बात तो तुम करो ही मत, तुम कर रहे हो किसी की इज्जत, खुद 350-400 ठोके अगली को 50-60 पे लिटा दे रहे हो। अबे इतना रन तो बांग्लादेश एक्स्ट्रा में दे देती है, ऐसे कौन आएगा इंडिया खेलने के लिए? सबकी फट रही है अभी। वो वहां नेदरलैंड बोल रहे कि भैया हम तो निकल ही गए, अब क्या करेंगे, खेल के हमारी फ्लाइट की टिकट करवा दो, हम निकल जाए बच्चों के साथ रहने। तुम साला मैच इतना जल्दी खत्म कर देते हो, यहाँ स्टार स्पोर्ट्स वाले टेंशन में आ जाते हैं कि बाकी का 2 घंटा टीवी पे क्या दिखाना है। मेरे सामने तो देखना ही मत, स्टार्ट की मैच खिलाई होती तो अभी तक 150-200 विकेट मेरे अकेले की होती। भैया यार चीटिंग करते हो आप, 10 ओवर के बाद तो मेरी बॉलिंग आती है, तब तक तो आप मैच ही साफ कर देते हो पूरा। खैर अभी और कोई खुश होना हो, इस आंटी से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। बाय द वे सेमीफाइनल्स के लिए दी लेजेंड फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम खुद आए थे इंडिया मैच देखने के लिए। मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है डेविड बेकहम के लिए, वो विराट कोहली से मिले। खैर मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही कि हमारे किंग, जो असली वाले किंग है, वो रियल वाले विराट कोहली ने 50 सेंचुरी अपनी कंप्लीट की ओडीआई करियर में। 50 सेंचुरी लिटरली। भैया रहम करो, आपकी और रोहित भाई की जितनी सेंचुरीज है ना, उतनी बाकी नॉट इवॉक की मिला के नहीं है। विराट कोहली ने इतनी ज्यादा सेंचुरीज मार दी कि ईए स्पोर्ट्स की गेम में भी विराट कोहली के आगे हैकर लिख के आना चाहिए। भाई हैकर है, हैकर 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 हैकर। विराट भाई तो सोते भी 100 रन मार सकते हैं। विराट भाई का फेवरेट वार कौन सा है पता है? सोमवार। विराट भाई की फेवरेट मूवी कौन सी है पता है? सो उल्ले। विराट भाई ने दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़े, उनने बस सोन पापड़ी खाई। हमको विराट भाई पे घमंड क्यों ना हो, आखिर इतने सालों से इंडियन टीम को सो लो अपने कंधे पे उठाते आए हैं। खैर पड़ोसियों देख लो, ऐसा होता है वर्ल्ड कप, देखा है कभी नजदीक से? खैर फोटो भेज देना रोहित भाई, देख के खुश हो जाएंगे अगर उनके वहां इंटरनेट आ रहा हो तो। पर भाई जितना बुरा मुझे किसी के लिए नहीं लगा, उतना मुझे सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव के लिए लगता है। सच में ये यादव समाज ना इंडियन टीम से बिल्कुल राजी नहीं है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि भाई क्या करे, कुलदीप यादव की बॉलिंग आते आते तो विकेट्स खत्म हो जाती है, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग आते आते ओवर्स खत्म हो जाते हैं। और पूरे टूर्नामेंट में जितना मजा लोगों को अपनी कंट्री के मैच देखने में नहीं आया होगा, उससे ज्यादा मजा तो इंडिया के लोगों को ड्रेसिंग रूम सेरेमनी देखने में आ गया होगा। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं भाई जान ये वाला प्रैक्टिस सेशन हमको क्यों नहीं करवाते, भाई वो उसके लिए जीतना पड़ता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। इन 11 लोगों का सेलिब्रेशन देख के, इन लोगों के चेहरे पे स्माइल देख के हम सबका मूड फ्रेश हो जाता था। पिछले 1.5 महीनों से 140 करोड़ भारतीयों का मूड इन 11 खिलाड़ियों पर डिपेंड करता था कि भाई आज रात को हम चैन की नींद सो पाएंगे या नहीं। लेकिन खैर जो भी है, मुझे यकीन है कि इस बार वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। भगवान ना करे कुछ बैड लक हो जाए, लक बाय चांस कुछ थोड़ा अंपायर की गलती से कुछ हो जाए ऊपर नीचे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वी विल स्टिल सपोर्ट इंडियन टीम, क्योंकि इस टीम ने हमें हजारों मौके दिए हैं गर्व से अपना सीना चौड़ा करने के। तो नो मैटर व्हाट, जो भी रिजल्ट हो, कमेंट्स में सबको कंपलसरी लिखना है #ProudOfYouIndianTeam। इस देश के एक एक नागरिक, सारे भारतीयों को आप पे गर्व है, कब चाहे इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, पर जो इज्जत इन 11 लोगों ने दुनिया में हमारे देश को दिलाई है ना, उसकी कोई कंपेयर नहीं है भाई, वो यहीं रहेगी। खैर मैं चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आने तक आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होगी और रोहित भाई के हाथ में ट्रॉफी होगी। धन्यवाद एंड अगेन #ProudOfYouIndianTeam। जय हिंद जय भारत।